नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बाथरूम देवघर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट सेकंड ईयर का पेपर है फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट आपके फर्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श का परिचय और टॉपिक है निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। आज का टॉपिक आपका निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा से रिलेटेड है। तो देखिएगा निर्देशन का अर्थ, निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है। निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या रास्ता दिखाना। इसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना या फिर दिशा दिखाना। यानी कि निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है और जिसका अर्थ मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना या फिर दिशा प्रशस्त करना होता है। और कहा भी जाता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं होता है बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वो समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। यानी कि निर्देशन में व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है, दिशा निर्देशन उसको बताया जाता है, उसको मार्ग दिखाया जाता है, मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यानी कि निर्देशन में व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है ताकि वो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। इसमें व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं होता है बल्कि व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको सक्षम बनाया जाता है। तो इसी प्रकार निर्देशन शब्द अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है और जिसका अर्थ राह दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना और दिशा दिखाना होता है। नेक्स्ट है निर्देशन की परिभाषा। तो स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा इस प्रकार से है कि नवयुवकों को अपने प्रति दूसरों के प्रति और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया ही निर्देशन कहलाती है। देखिएगा नवयुवकों को अपने प्रति दूसरों के प्रति, यानी कि नवयुवक है उनको अपने स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए जैसी कंडीशन उनके सामने है उसी कंडीशन में उनको समायोजित करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया ही निर्देशन कहलाता है। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि किसी व्यक्ति को हम निर्देशित कर रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं तो उसकी हम उसी कंडीशन में उसको समायोजित कर रहे हैं और कंडीशन वही होने के कारण उसको हम सहायता प्रदान कर रहे हैं और सहायता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्देशन कहलाती है। नेक्स्ट है जोनस के अनुसार है कि निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है। निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है, बिल्कुल डेफिनेशन सही है। जोनस के अनुसार कि निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है। निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की, यानी कि निर्देशन पाकर व्यक्ति उस समस्या से जिससे वो जूझ रहा है उससे वो निकलकर आगे बढ़ जाता है। यानी कि निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है, यानी कि जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है वो अपने स्वयं की समस्या से आगे निकल जाता है, स्वयं की समस्या का समाधान करके आगे बढ़ जाता है और उसको स्वदिशा यानी कि अपनी एक दिशा उसको मिल जाती है और अपने एक दिशा मिलकर वो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शले हैमरिन के अनुसार, थर्ड डेफिनेशन है शले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यानी कि व्यक्ति स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके और इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। बिल्कुल, यदि हम किसी व्यक्ति को निर्देशित करेंगे या किसी व्यक्ति को हम गाइड करेंगे तो या किसी व्यक्ति को हम राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे, दिशा दिखाएंगे तो वह व्यक्ति स्वयं को पहचानने में इस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति को स्वयं को उसको मार्ग दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, राह दिखाएंगे तो राह दिखाकर हम उसकी क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं जिससे वो अपने जीवन में या जिस राह पर वो प्रशस्त होना चाहता है, जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता है, जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहता है उस दिशा में वो अपने जीवन में वो आगे बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वही निर्देशन के कहा जाता है। यानी कि सीधी से डेफिनेशन है शेले हैमरिन के अनुसार कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसी दिशा उसको प्रशस्त करना जिससे वो अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे और इसी प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। ये आपके निर्देशन की
निर्देशन का अर्थ और परिभाषा कंप्लीट हुई, तब तक के लिए नमस्कार।